चलो, सो वील बी सॉल्विंग चैप्टर टू, पेज 29 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वन गिवन एक्स एन इक्वल टू स्मॉल एक्स एन 0.5 प्लस एक्स एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन, ये हम लोग को गिवन है। ठीक है, अब बोला है फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ ड्राइवर हैज एन एक्सीडेंट इन द सेकेंड ईयर। इन द सेकेंड ईयर गिवन दैट दे डिड नॉट हैव एन एक्सीडेंट इन द फर्स्ट ईयर। तो बेसिकली हम लोग को क्या निकालने बोला है फर्स्ट पार्ट में, प्रोबेबिलिटी वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कि उसका एक्सीडेंट सेकेंड ईयर में होगा। तो सेकेंड ईयर है, लेट्स राइट दिस एज वाई टू। गिवन कि उसका लास्ट ईयर एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तो बस सिंपली यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने हैं वैल्यूज। 0.5 प्लस एक्स एन इज वॉट नंबर ऑफ एक्सीडेंट टिल नाउ विच इज 0, 1 प्लस एन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलो उसको बताओ। एन इज बेसिकली अभी तक का टाइम पीरियड, और ये भी अभी तक का टाइम पीरियड है। क्या आ रहा है, 0.25। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट अ ड्राइवर हैज एन एक्सीडेंट, प्रोबेबिलिटी दैट अ ड्राइवर हैज एन एक्सीडेंट इन द 11th ईयर। तो 11th ईयर में एक्सीडेंट है, गिवन दे हैड एन एक्सीडेंट इन ईच ऑफ द फर्स्ट 10 ईयर्स। मतलब ईच ऑफ द फर्स्ट 10 ईयर्स में उसका एक्सीडेंट हुआ है। मतलब x 10 इक्वल टू 10, यस और नो, x 10 इक्वल टू 10। अब हाँ सॉरी, ये x होगा, ये x1 होगा। ठीक है, तो अब बताओ इसको सिमिलरली सॉल्व करेंगे क्या क्या जाएगा। यहाँ पे 0.5 प्लस एक्स एन इज बेसिकली दिस 10, 1 प्लस 10, वेरी गुड। ये एक्स एन है। ठीक है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 0.95। ठीक है, पार्ट थ्री बोल रहे हैं द आई कॉमा जेथ एंट्री इन द वन स्टेप ट्रांजिशन मेट्रिक्स विच इज एन कॉमा एन प्लस वन। ये वन स्टेप हुआ, आई कॉमा जे मतलब स्टेट आई से स्टेट जे। ठीक है, ऑफ द मार्कोव चेन एक्स एन, ये हम लोग को निकालना है। बेसिकली अब हम लोग को वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला है। ठीक है, तो ये हम लोग इसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इन मार्कोव प्रोसेस ऑफ एक्स एन। तो एक्स एन का प्रोसेस है, ये समझ के रखना, एक्स एन का प्रोसेस है। मतलब एक्स एन इज द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स एट टाइम एन, एक्स एन प्लस वन हो जाएगा नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स टिल टाइम एन प्लस वन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू जे, गिवन एक्स एन पे कहाँ थे, आई पे थे, ये निकालने बोला है। अब इसको कैसे करेंगे बताओ। देखो प्रोबेबिलिटी जो हम लोग को ऊपर में दिया हुआ है ना, हम लोग वही लेने वाले हैं। मतलब हम लोग को जो यहाँ पे ये वाला चीज गिवन था, ये वाला जो चीज पूरा हम लोग को गिवन है, यही हम लोग यूज करने वाले हैं। जस्ट दैट, अब बताओ कैसे यूज होगा इसको, कोई ट्राई करना चाहता है कैसे। करेक्ट, तो यहाँ पे एक्स एन की जगह पे आई है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0.5 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन। अब ये कब होगा, ये तब होगा जब आपका एक्स एन इज मतलब एंड वाई एन प्लस वन इज वन। इसका क्या मतलब है कि एन प्लस वन है थ्योर में एक्सीडेंट, तो इसका क्या मतलब, हम जे एक स्टेप आगे गए हैं, जे हम एक स्टेप आगे। सो जे का क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, सबसे पहले तो ये बताओ। हाँ बहुत ही गलत बोल रहा है, स्टेट जे क्या क्या हो सकता है। 0.1 का क्या मतलब है, तुम लोग 0.1 जो बोल रहे हो, तुम लोग ये बोल रहे हो कि टाइम एन प्लस वन पे या तो 0 एक्सीडेंट होगा या 1 एक्सीडेंट होगा। 0 एक्सीडेंट होने का मतलब है कि तुम लोग टाइम एक्स एन प्लस वन पे, मतलब करेक्ट, हम लोग आई पे ही रहेंगे, नो एक्सीडेंट। लेट मी राइट इट ऊपर में,
इज दिस क्लियर, येस और नो? हम लोग आई पे ही रहेंगे, हम लोग आई पे ही रहेंगे अगर एन प्लस वन पे एक्सीडेंट नहीं होता है, अगर एक्स एन प्लस वन टाइम एन प्लस वन पे एक्सीडेंट नहीं होता है, तो आई पे थे, आई पे ही रहेंगे. आई सपोज लेट्स से सपोज 10 एक्सीडेंट्स है, तो 10 एक्सीडेंट्स पे ही रहेंगे, तो स्टेट जे इज इक्वल टू स्टेट आई. करेक्ट 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 ऑल ऑफ यू. या फिर एक एक्सीडेंट हो गया तो आई प्लस वन हो जाएगा. तो ये एक आई प्लस वन वाला केस था. सिमिलरली एक और केस लेना पड़ेगा जहां पे और जे इज इक्वल टू आई, एंड दैट इज व्हाट, जीरो एक्सीडेंट, व्हिच इज वन माइनस दिस एंटायर थिंग. यस और नो? कितना आएगा वन माइनस करके? रुक जाओ, मरूफ में लूंगी. हाँ और जीरो अदरवाइज. अदरवाइज इसीलिए लिखते हैं कि और कोई अगर जे का तुम लोग पॉसिबिलिटी सोच रहे हो तो उसके लिए वो पॉसिबल नहीं है, इट विल बी जीरो. हाँ बोलो मरूफ, बोलो. मैम, हाँ यहाँ पर आई एंड जे आर द स्टेट्स, मतलब एक्सीडेंट होना और ना होना, या इट इज द टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट स्टिल एन? तुम बताओ क्या होगा, जे और आई, इसका क्या एक्सीडेंट इज मतलब अगर है, आई है तो इसका क्या मतलब मतलब है? टाइम एन तक आई एक्सीडेंट हुआ है. करेक्ट, अच्छा, आई ओके इज द ओके इट इज द नंबर स्टेट. ऑफ एक्सीडेंट्स. करेक्ट, ओके ओके ठीक है. एनी मोर डाउट्स यहां तक? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है पूरा अच्छे से? होगा आई मतलब जे, अगर तुम बोल रहे कि एनीथिंग अदर देन आई है या फिर एनीथिंग अदर देन आई प्लस वन है तो जीरो, यू हैव टू राइट इट प्रोबेबिलिटीज में. ठीक है, इज दिस क्लियर? एनी मोर डाउट्स यहाँ पे? ठीक है चलो नेक्स्ट. कंपाइलर खोल लेते हैं. कंपाइलर का मैं सॉफ्ट कॉपी ले लेती हूँ. यस श्लोक, मैम, सम्स हम लोग को अलग बुक में सॉल्व करने हैं कि इसमें ही कंटिन्यू करें? नहीं अलग में करना सम्स ना, सम्स का नोटबुक अलग बना लो. अगर कोई सेम नोटबुक कैरी करे तो पीछे से करो. नोट्स का एक सिंगल रहने दो प्लीज, नोट्स को डिस्टर्ब मत करना बिल्कुल. नोट्स नोटबुक अलग रहने देना CS2 में. आपको बाकी जैसे कंफर्टेबल है, आई प्रेफर इट इन दिस वे एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट, क्योंकि नोट्स फिर एक जगह रहेगा तो आप लोग को रिविजन के टाइम पे दिक्कत नहीं होगा. ठीक है, तो एक बार समझते हैं कि कंपाइलर कैसे कैसे करना है. एक एसी का इंक्रीज करो ना टेम्परेचर, 1 पॉइंट इंक्रीज कर देना. सो देर आर 12 सेक्शंस इन टोटल. देख के बहुत ज्यादा लग रहा है बट मशीन लर्निंग, कॉपिलास, मोर्टैलिटी प्रोजेक्शन, इनमें काफी कम सम्स मिलेंगे. ठीक है, तो काफी कम सम्स मिलेंगे. तुम पैरेलली इतना बात क्यों करता है? तुमको पता है ना तुम्हारा आवाज मेरे यहाँ तक आता है. अब से तुमको अलग बिठा देंगे एकदम, तो थोड़ा देरी शांति रखो क्लास में. सो देर आर 12 सेक्शंस, ऑल राइट, एंड ये तीन, इसमें काफी कम सम्स है बिकॉज दीज आर न्यू चैप्टर्स. पेपर ए में काफी कम आया हुआ है. मशीन लर्निंग यूजली पेपर बी में काफी आया है बट पेपर ए में भी दे हैव स्टार्टेड गिविंग वेरी गुड क्वेश्चंस. तो ऑल इन ऑल जो भी न्यू चैप्टर्स है डेफिनेटली वी विल बी डूइंग बैक क्वेश्चंस एंड ऑल. अब यहाँ पे जो बाकी हमें सेक्शंस दिए हुए हैं इसमें कैसे प्रोसीड करना है देखो. सो वी हैव, वी विल बी स्टार्टिंग विथ मार्कोव मॉडल्स व्हिच इज बेसिकली मार्कोव चेन. सेक्शन टू दिस हैज गुड नंबर ऑफ सम्स. इसके बाद हम लोग मार्कोव जंप करेंगे जो हम लोग कमिंग वीक जिसका कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लेंगे एंड आई विल बी गोइंग इन दिस ऑर्डर. तो मैं चैप्टर नंबर्स खाली लिखवा देती हूँ. सो दिस इज चैप्टर 2 से 3, दिस इज 4 से 5, दिस इज चैप्टर 1. सर्वाइवल एनालिसिस इज चैप्टर 6 to 8. एक्सपोज टू रिस्क इज चैप्टर 9. दिस इज 10 to 11. दिस इज 12, 13, 14 है ये टाइम सीरीज.
ठीक है, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन ईवीटी री इंश्योरेंस इज योर चैप्टर 15 से 16. एक्चुअली ईवीटी एक बार देखना, ईवीटी कौन सा, हाँ एक बार मेरे को वो वाला मटेरियल देना, ईवीटी आई थिंक चैप्टर 17 है ये, मैं मुझे एक बार कंफर्म. री इंश्योरेंस तो 18 है क्या, हाँ तो फिर 15, 16, हाँ 15 है बेसिकली, 15, 16 एंड 18. कॉपिला 17 है, फिर ये 19, 20 है एंड दिस इज चैप्टर 21. अंडरस्टूड? तो ये हम लोग को ओवरव्यू मिल गया कि हर कौन सा चैप्टर कहाँ कहाँ कवर्ड है. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मार्कोव चेन विच इज सेकेंड बुकलेट. नहीं तुम पढ़ा है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. तो मैं आज ना स्पेसिफिक कुछ कुछ सम्स करवाऊंगी. आप लोग को क्या प्रोसीड करना है, कैसे प्रोसीड करना है सुन लो पहले. तो मैंने चैप्टर 2 क्लास में पूरा फिनिश करा दिया है, विच इज मार्कोव चेन. यू ऑल कैन रीड द मटीरियल ऑफ दिस एंड सॉल्व मटीरियल के बीच के क्वेश्चंस एंड एंड के क्वेश्चंस. व्हाट यू ऑल हैव टू डू, जो मैं अभी क्लास के बाद आप लोग को बता दूंगी, आप लोग को चैप्टर 1 का एक वीडियो डाला हुआ है एंड चैप्टर 3 एंड पॉइजन प्रोसेस का एक वीडियो डाला हुआ है, तो वो मैं बता दूंगी. ये दो वीडियो आपको कवर करने हैं. तो बहुत कम ड्यूरेशन के, ज्यादा ड्यूरेशन के नहीं है, इन टोटल आई थिंक 3 आवर्स होगा. तो ये आपको ये दोनों वीडियोस कवर करने हैं. वेन एवर यू गेट टाइम आई ट्राई टू डू इट इन नेक्स्ट 2 डेज. एंड यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग कंपाइलर, जो भी मैं करा रही हूँ, सेक्शन 2. ठीक है, नाउ एक हेड्स अप देना चाहती हूँ कि जो क्वेश्चंस होने वाले हैं थोड़े ट्रिकी होंगे, हो सकता है एक बार में नहीं समझ में आए, तो इसको अच्छे से टाइम दे के सॉल्व करना है. ये पूरा वीक, विच इज कल से लेके नेक्स्ट वीकेंड तक, आपको पूरा खाली इसी बुकलेट पे कॉन्सेंट्रेट करना है और कुछ नहीं करना है. क्लास में आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, आई विल बी स्टार्टिंग विथ चैप्टर 4 एंड 5, विच इज मार्कोव जंप. ठीक है, विच इज अ कंटिन्यूस टाइम सेट में, हम लोग जिसको बोलते हैं. अभी तक हमने डिस्क्रीट टाइम सेट किया था, इसको इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया तुम लोगों ने, उसको दे दो ना, मेहुल को, तो मेहुल कर देगा. सो चैप्टर 4, 5 हम लोग को बेसिकली स्टार्ट करेंगे हम लोग एंड वील फिनिश इट ऑफ बाय नेक्स्ट वीकेंड. उस बीच घर पे जो आप लोग इतना बोलते हो ना कि क्या करें, अब आप लोग का स्टार्ट होने वाला है असली CS2. ठीक है, तो आप लोगों को मटीरियल रीडिंग मैंने बोल दिया है. चैप्टर 1, चैप्टर 3 इन दोनों का आपको वीडियोस करना है बिकॉज थ्योरी है. जो भी नहीं समझ में, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन माई लाइव क्लास. एंड ये इसके सम्स स्टार्ट करने हैं. अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 55 के अराउंड क्वेश्चंस हैं, तो एवरी डे का टारगेट 10 सम का बना लो. ठीक है, 10 सम में हो सकता है 10 घंटे भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पूरा सॉल्व करना है. राइट, तो अगर नहीं समझ में, डेफिनेटली सोल्यूशन देखना है. अगेन मेरा एक सम्स क्लास का फोल्डर है, तुम लोगों ने देखा होगा, तो उस सम्स क्लास के फोल्डर का एक गूगल शीट है, वो गूगल शीट मैं शेयर कर दूंगी तुम लोगों के साथ. तो वो गूगल शीट में मैंने पूरा सम्स, हर एक सम्स क्लास में कौन से सम्स सॉल्व करवाए वो भी मैंने डाल रखे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, कल जब आप लेके बैठते हो और आपको सम नंबर 6 में अचानक से डाउट आते हैं, यू हैव दैट वीडियो, ओपन दिस, ओपन इट अप, सी इट एंड देन सॉल्व इट क्विकली. पर ऐसा नहीं कि हर सम में डाउट आ रहे हर सम को लेके बैठ रहे हो, नहीं, खुद से थोड़ा समझने का ट्राई करो, खुद से मॉडल बनाने का ट्राई करो, उस सम को टाइम दो. एंड रात में जग के स्लीप हैम्पर करके मार्कोव चेन नहीं पढ़ पाओगे. ठीक है, तो आराम से प्लीज टेक अ स्लीप ऑफ 7 आवर्स मिनिमम एंड देन थ्रू आउट द डे यू हैव टाइम टू स्टडी. दिस इज वन थिंग. अनदर थिंग, कंपाइलर, जैसे मैंने बोला कि अगर एकदम एक्सट्रीम नहीं समझ में आ रहा, सोल्यूशन देखने के बाद भी नहीं समझ में आया, तो प्लीज मेक श्योर आप लोग
वीडियो देख के समझो, या फिर ऑब्वियसली मेरा लाइव क्लास में आई विल सॉल्व इट अप. बट कमिंग 4 to 5 days आई विल बी डूइंग मार्कोव जंप, सो आई विल नॉट बी टेकिंग सम्स क्लास का डाउट. सो इट विल बी बेटर कि आप सम्स क्लास से डायरेक्टली, उसमें बहुत अच्छे से मैंने सारे सम्स सॉल्व करवाए, काफी सारे सम्स मैंने सम्स क्लास में, दैट इज आई हैव नॉट रिमूव्ड. जैसे मैंने क्लास में डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में, मैंने उसको हटाया ही नहीं है, एक भी सम्स क्लास मैंने नहीं हटाया. द ओनली रीजन बीइंग कि बहुत अच्छे से सारे सम्स सॉल्व्ड है उसमें. हो सकता है कि किसी एक को क्वेश्चन 2 में डाउट है, किसी और को नहीं है, तो वो अपना वीडियो खोल के वहां से देख सकते हैं. करेक्ट. तो ये आप लोग को घर पे करना है. अलॉन्ग विद दिस, नेवर फॉरगेट कि हम लोग के पास एक बहुत बड़ा आर प्रोग्रामिंग भी है. तो जिनका बेसिक्स किया हुआ है, प्लीज चैप्टर 2 का वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो. आर प्रोग्रामिंग बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है, तो एवरी डे एटलीस्ट इसको हम 1.5 आवर्स देंगे, चाहे कुछ भी हो, अगर आप जिसको CS2 क्लियर करना है, अगर वो आर प्रोग्रामिंग को 1.5 आवर्स नहीं दे रहा, आपका CS2 नहीं क्लियर होगा. क्योंकि आर प्रोग्रामिंग लेंदी है, बट एट द सेम टाइम स्कोरिंग है. पेपर कितना भी खराब आए, आर प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो. ठीक है, तो इस पे मेक श्योर एवरी डे आप 1.5 आवर्स दो. दोज हु हैव नॉट कंप्लीटेड बेसिक्स, जिनका बेसिक्स हो चुका है, दे कैन स्ट्रेट अवे मूव टू दीज क्लासेस. राइट, सो दिस इज वॉट इज देयर. एंड चैप्टर 4 to 5 हम कमिंग वीक करेंगे. हाँ, थोड़ा ऑब्वियसली रिलेटेड है. नहीं, 1 पहले फिर 3, इसी ऑर्डर में करना है. चैप्टर 1 फिर चैप्टर 3. कौन सा वीडियो, ये भी एग्जैक्टली मैं बता दूंगी वीडियो नंबर एंड फोल्डर क्लास के बाद. बट ये दोनों आपको प्लीज लिख लो, टास्क टू डू इन द वीक. प्लीज लिख लो टास्क. मैं ट्राई करती हूँ अपना एनर्जी सेव करने का और नॉइजेस इग्नोर करने का. सब हो जाएगा पॉसिबल. कुछ भी बहुत बड़ा टास्क नहीं दिया तुम लोगों को करने के लिए. कोई सेम नहीं आ रहे, मेरे को नहीं फर्क पड़ता सेम आ रहे. बीकॉम में तुम लोग इतना कितना पढ़ लेगा पक, जितना पढ़ेगा उतना कम मार्क्स मिलेगा, मेरे को नहीं पता. CS2 पास होने तो पढ़ लेना. हाँ श्लोक. मैम ये चैप्टर 3 एक ही वीडियो में पूरा कवर्ड है? 2 वीडियोस. यस, 1 वीडियो इज चैप्टर 1, 1 वीडियो इज चैप्टर 3 एंड पॉइजन प्रोसेस. चैप्टर 3 में कुछ है नहीं, बहुत छोटा सा है. ठीक है मैम, तो वो ही देख के फिर हम लोग कंपाइलर सीधा स्टार्ट कर सकते हैं. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. यस यस, आज एक कर लेना वीडियो, कल एक कर लेना. एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी पहले. तुम लोग बीकॉम के लिए 2-3 घंटे से ज्यादा पढ़ने से रहे और उसको बना रखे हो इतना बड़ा प्रॉब्लम अपने लाइफ का. एग्जाम एग्जाम है पूरा दिन, पूरा दिन रात. अरे तुम देखो, ये मैंने टारगेट दिया है, उसमें से तुम ये वीडियो तो आराम से देख सकते हो. ठीक है, मैट रीडिंग चलो, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, यू कैन डू इट आफ्टर सम टाइम. ठीक है, तो ऑर्डर क्या है प्रायोरिटी का, मैंने इसीलिए नहीं बोला, बट ठीक है चलो, तुम लोग इतना क्रिप कर रहे हो तो बोल ही देते हैं. प्रायोरिटी बेसिस पे ये सबसे पहला है. ठीक है, इसमें 3 स्टार बनाते हैं, इसमें भी 3 स्टार बनाते हैं, ये दोनों प्रायोरिटी है.
आर प्रोग्रामिंग का वीडियो देख सकते हो यार, उसमें कुछ नहीं करना है तुम लोग को। उसके बाद ये सेकेंड है, ये करते रहना जब भी टाइम मिले, बना लिया 6 सम 5 सम बनाते रहो, ठीक है, एंड मजा भी आएगा पढ़ के ये वाला, तो ये करना है। एंड देन अगर तुम लोग जिनका एग्जाम्स है, मैट रीडिंग छोड़ दो, मैट रीडिंग बाद में करना। खुश क्लास स्टार्ट नहीं हुआ अभी से, तुम्हारा आउट। चलो ठीक है, प्रायोरिटी भी बोल दिया। यस प्रेरणा कल क्लास है तो अलग ही टेंजेंट पे चल रही हो तुम। चलो ये वाला सम करेंगे, रीड करो, मेरा रटा हुआ है सारा सम्स, तुम लोग रीड करो। चलो Children at school are given weekly sheets, grade sheets, in which their effort is graded in 4 levels: poor, satisfactory, good, excellent, subject to a maximum level of accident and a minimum level of poor. Between each week and the next, a child has to ye sab kuch diya hua, isko acche se ek ek karke read karna. कैंपस नहीं है, तुम पीछे बैठ जाओ, उसके साथ शेयर कर लूं। किन किन का, किन किन का एग्जाम, एक बार यस लिखो तो ग्रुप में, मी लिखो मी। तुम कौन से हो? सेकंड। तुम 19? उन लोग नहीं रो रहे और तुम रो रहे हैं। हे भगवान, करो रीड। सेकंड सेम में बिना पढ़े मार्क्स आ जाते हैं। हाँ, 20% चांस ऑफ मूविंग अप वन लेवल, 20% चांस ऑफ मूविंग डाउन वन लेवल, 10% चांस है कि वो 2 लेवल ऊपर जाएगा, और 10% चांस है कि वो 2 लेवल, टोटल कितना हुआ? टोटल 60% हुआ, तो बाकी 40%, मूविंग अप और डाउन 3 लेवल्स इन अ सिंगल वीक इज नॉट पॉसिबल, तो बाकी 40% सेम लेवल पे रहेगा। वेरी गुड, राइट डाउन ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑफ दिस प्रोसेस। इससे इजी दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। बनाओ ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ये कौन सा नंबर है क्वेश्चन? अब देखो, ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाने से पहले कुछ कुछ चीज लिखना पड़ता है। सबसे पहले तुम लोग लिखोगे व्हाट आर द स्टेट्स, सो यू विल राइट द नंबर ऑफ स्टेट्स आर दीज दीज दीज, पुअर एंड ऑल। उसके बाद, या फिर अगर आप स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 के फॉर्म में लिखते हो तो ऐसे लिख देना, स्टेट 1 इक्वल टू पुअर, स्टेट 2 इक्वल टू दिस, वैसे करके। एंड देन हेंस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स इज एज फॉलोज। डरने का बात नहीं, आराम आराम से पढ़ो, बस थोड़ा पढ़ने का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना पड़ेगा सीएसयू में, और कोई बात नहीं है। वन से वन लेवल ऊपर जाने, एक बार देख लो फिर करना, वन लेवल ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी क्या दे रखा है? 2 लेवल्स और 3 लेवल्स, 0, तो ये क्या हो गया? 7, ऑब्वियसली, क्योंकि 1 पे है, नीचे जाएंगे 40% से, मतलब सेम पे रहेंगे 40% से, और नीचे दो बार, एक बार जाने का एड अप हो जाएगा ना, क्योंकि 1 से नीचे जा नहीं सकता। 1 मेरे लिए बेसिकली पुअर है, फिर सैटिस्फैक्ट्री, फिर गुड, फिर एक्सीलेंट। 2 से 1 पे जाना, टेन होगा कि 20 होगा? डाउन 1 लेवल और डाउन 2 लेवल्स,
तो यहाँ टू के डाउन टू लेवल्स क्या हो सकते हैं, तो क्या करेंगे? थर्टी परसेंट होना चाहिए ना, क्योंकि अगर दो बार नीचे जाएगा तो भी तो वन पे ही जाएगा, तो 30%. वेरी गुड. ये हो जाए एक लेवल ऊपर जाना, एक लेवल दो लेवल ऊपर जाना, और ये हो गया 0. क्लियर. ये था इसमें बस ट्रिक, और कुछ नहीं था. थ्री पे है, थ्री से एक लेवल ऊपर जाना 20%, दो लेवल ऊपर जाना 10%, सेम, तो 0.3. फोर से वन पे जा सकते हैं क्या? नहीं. हाँ प्रेरणा, ठीक है. थ्री से फोर पे जाना तो एक लेवल अप जाना हुआ ना, एक लेवल अप जाना हुआ, बट अगर दो लेवल अप जा रहा है कोई तो वो फोर पे ही तो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं. तो आप बोल रहे हो टू से कोई निकला है वो फोर तक पहुंच रहा है. ओके, टू से फोर तो टू लेवल्स हुआ. थ्री से मैं बोल रही हूँ कि थ्री से निकलेगा और टू लेवल्स अप जाएगा, तो वो फोर के ऊपर तो नहीं जा सकता ना. अंडरस्टैंडिंग? ओके ओके. इट्स लाइक एनसीडी मॉडल ओनली. इट्स लाइक एनसीडी मॉडल में क्या था, दो क्लेम करेगा. हम लोग जो एनसीडी मॉडल टू किए थे कि अगर एक से ज्यादा क्लेम कर रहा था तो दो लेवल नीचे जा रहा था, बट टू पे है 25% पे था तो जीरो पे नहीं जाएगा, मतलब जीरो के नीचे नहीं जाएगा, जीरो पे ही जाएगा, तो इट विल गेट एडेड अप, है ना. क्लियर? क्लियर है? सेकंड पार्ट रीड करो. चिल्ड्रन आर ग्रेडेड ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, ठीक है. तो फ्राइडे आफ्टरनून को हम लोग उन लोग को ग्रेड कर रहे हैं. इन ईच वीक, हर वीक का फ्राइडे आफ्टरनून को ग्रेड कर रहे हैं. ऑन फ्राइडे ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ द स्कूल ईयर, एज देर इज लिटिल एविडेंस ऑन विच टू बेस एन असेसमेंट, ऑल चिल्ड्रन आर ग्रेडेड सेटिस्फैक्ट्री. तो क्या बोल रहे, देखो पहला वीक के का एंड पे जो फ्राइडे है, तो पहले वीक में उतना हम लोग नहीं बता सकते कि स्टूडेंट कैसा है, तो सबको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सबको हम लोग सेटिस्फैक्ट्री बना रहे हैं, ठीक है. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोसेस आफ्टर द ग्रेडिंग ऑन फ्राइडे ऑफ द थर्ड of the third week of the school. So third week of the school का जो Friday है, उसके बाद का क्या distribution निकलेगा वो बताना है, given कि first week का end पे जो Friday था उस पे सबको हमने satisfactory दिया था. खुद से सोचो, सम try करो, फिर बोलना क्या होगा. वेरी गुड, वेरी गुड. जतन ने गलत लिखा. हाँ बोलो. नीचे सो बेसिकली हम लोग को बोला गया है पार्ट टू में कि x0 नहीं बोलेंगे, जीरो बोल भी सकते हो, डजंट मैटर. x1 मतलब आफ्टर द फर्स्ट इवैल्यूएशन. हम लोग कहाँ हैं, ये है ना सेकंड लेवल है, तो ये सेटिस्फैक्ट्री पे हम लोग. अब हम लोग को दो वीक बाद थर्ड वीक, ये है फर्स्ट वीक का फ्राइडे, सेकंड वीक का फ्राइडे, थर्ड वीक का फ्राइडे, तो दो स्टेप आगे गए, दो वीक आगे गए, तो हम लोग को निकालना है x3 विच इज x1 पी स्क्वायर. तो हम लोग को पी स्क्वायर चाहिए, ठीक है. तो सबसे पहले तो पी स्क्वायर निकालो, ठीक है, और पी स्क्वायर निकालने के बाद इससे मल्टीप्लाई करो. चलो लेट्स डू इट. हाँ वैसे भी कर सकते हैं. तो सबसे पहले x1 को p के साथ कर लो, तो
तो हम लोग को वापस एक लाइन मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद लाइन वेक्टर मिल जाएगा, उसके बाद वापस से पी के साथ ऐसे भी कर सकते हैं, करो। सो बेसिकली हम लोग को क्या चाहिए, बस सुन लो, उससे बेटर मैं बता रही हूँ डायरेक्टली पी स्क्वायर क्यों निकालने बोल रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हाँ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे अगर हम पी स्क्वायर बना ले, ठीक है, तो ये जो पी स्क्वायर निकलेगा इसके बाद, पी स्क्वायर का जो सेकेंड वाला रो होगा, विच इज दिस रो, जो सेकेंड वाला रो होगा दैट इज योर आंसर। क्यों? क्योंकि हम लोग कर रहे, पी स्क्वायर का क्या मतलब है, पी स्क्वायर का मतलब ये जो पी स्क्वायर का मैट्रिक्स बनता है उसका सेकेंड रो का क्या मतलब है कि टाइम यहाँ पे, टाइम जीरो पे हम लोग थे सैटिस्फैक्ट्री पे, तो हम लोग यहाँ पे पुअर में जाएंगे, सैटिस्फैक्ट्री में जाएंगे, गुड में जाएंगे कि एक्सेलेंट में जाएंगे इन टू टाइम पीरियड्स। तो दो बार करने से बेटर है डायरेक्टली एक बार करो एंड जस्ट गेट दिस रो। तो अगर ये वाला रो भी तुम लोग खाली निकाल लो, तो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों को खाली ये वाला रो चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे, बेसिकली हम लोग, एक सेकंड रुको यार, ये क्यों जाता है बार बार आजकल, ये क्या था यहाँ पे 0.2। तो बेसिकली एक मिनट ध्यान दो, इस पूरे को इस पूरे से करेंगे, सो वील गेट दिस फर्स्ट वन, ठीक है, वापस से इस पूरे को सेकेंड वाले से करेंगे, सो वील गेट द, तो यू जस्ट नीड दिस, तो पूरा मैट्रिक्स यू जस्ट गिव द एक्सप्रेशंस, यू जस्ट बेसिकली समझा दो कि कैसे क्या है, कि एक्स जीरो क्या है, हम लोग एक्स वन क्या है, हम लोग को क्या चाहिए फाइनली, एक्स वन का पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर लिख दो पहले दो मैट्रिक्स बगल बगल में, एंड देन फाइनल आंसर में पूरा निकालने का जरूरत नहीं है, जस्ट टेक आउट द सेकेंड रो, ठीक है, करो आंसर बताओ। Yes, Vidhi. X1 इसीलिए क्योंकि फर्स्ट वीक का एंड पे, और X0 का मीनिंग इधर पे होता कि स्टार्टिंग में कहाँ पे पोजीशन दिया, तो इसीलिए लॉजिकली इट शुड बी X1, बट X0 लिख सकते हो, बट आई विल सजेस्ट X1 लिखो, बेटर है। एक सेकेंड रुको, बोलो आंसर। टू नाइन गलत बोला है, टू सेवन, 0.35, 0.29, 1.7 देख लो, वेरी गुड अदिति जतन। हाँ खाली छोड़ दो, डॉट 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 दे दो, करें नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार यस लिख दो, हो गया तो सबका, कोई आज कैमरा ऑन नहीं कर रखे, संडे है फंडे है, क्या पता मेरा क्लास ऑन कर रखे हो और बगल में नेटफ्लिक्स चला के रखे हो, मेरा नेटफ्लिक्स का 3-4 महीने से ऐसे फालतू में कट रहा था सब्सक्रिप्शन, मैं मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था यूज करने का, फिर मैंने कल बैठ के कैंसिल किया उसको। तो
हाँ लास्ट में तुमको ऐसे पूरा अच्छे से लिखना है, बेसिकली ये तुम लिखा ना, अब उसके बाद तुमको खाली ऐसे लिखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम सैटिस्फैक्ट्री लेवल आफ्टर फर्स्ट, प्लीज शेयर प्रेरणा, वेरी गुड, आफ्टर फर्स्ट वीक द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल बी इन पुअर इज 35%, सैटिस्फैक्ट्री 29%, गुड 21% एंड एक्सीलेंट 17%. अपने वर्ड्स में लिखो अब. बोलो. मैम वो जो 2 से 1 का प्रोबेबिलिटी 0.3, आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते प्लीज, जो पी मैट्रिक्स बनाया है तो 2 से 1 का प्रोबेबिलिटी जो आपने सर्कल किया है 0.3, सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन? 2 से 2 लेवल नीचे जा सकते हैं क्या? नो तो वो ऐड हो जाएगा फिर, मतलब 2 लेवल भी नीचे जाएगा तो 1p रहेगा, 1 लेवल नीचे जाएगा तो भी 1p रहेगा, इसलिए 0.3. ठीक है. बट मैम आपने जो उसका एग्जांपल दिया वो एमसीडी एमसीडी मॉडल 2 का, तो हाँ उसमें तो हम ऐसे नहीं कर रहे थे ना? उसमें भी ऐसे करते हैं, 25% पे हो, 2 लेवल नीचे जा ही नहीं सकते, तो हम लोग ऐड कर रहे थे फिर. उसमें एक्चुअली एक ही प्रोबेब दो ही प्रोबेबिलिटीज था, इसीलिए पी एंड 1 माइनस पी, कि हाँ राइट पिछले बार राइट, क्लेम किया कि नहीं, बट अगर 3 प्रोबेबिलिटीज होते तो ऐसे ही डील करते उसको. सो वी कीप एडिंग. या ठीक है. ओके नाउ लेट्स डू क्वेश्चन, वाज़न 10 क्वेश्चन, 12 2000. हाँ ये वाला करते हैं, एक सेकेंड, स्नेक्स वाला क्वेश्चन है ना ये. हाँ काफी मजेदार है, चलो रीड करो क्वेश्चन, स्नेक्स के ऊपर है. स्नेक्स पहले आप लोग रीड करो, फिर मैं रीड करूंगी. समझ समझ के रीड करना, आराम आराम से, एकदम टाइम है हम लोग के पास, हम लोग 4-5 क्वेश्चंस ही करने वाले आज खाली. किचन में अपन लंच कौन बनाता है? मैनेजर आपका लंच बुला के देते हैं क्या? नहीं वो उनका ये टेबल डाइनिंग टेबल.
देखो क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्या समझ में आया पढ़ के बताओ, राइट डाउन द ट्रांजिशन मैट्रिक्स, कुछ भी क्लियर हो रहा है? कितना स्टेट्स बनेगा ये बताओ। हाँ, कितने स्टेट्स बनेंगे, चैट बॉक्स प्लीज। अ पेट शॉप हैज फोर, तुम तो अलग ही बोल दिया। अ पेट शॉप has four glass tanks in which snakes for sale are held. The shop can stock at most four snakes at one point of time. If more than one snake were held in the same tank, snakes would attempt to eat each other, and having snakes loose in the shop is not popular, obviously. So the number of snakes sold by the shop each day is a random variable with the following probability. तो चार टैंक है उसके बाद, ये बोल रहा है कि एक में दो टैंक, एक में दो स्नेक नहीं रख सकता, एंड ऑब्वियसली लूज भी नहीं छोड़ सकता। सो नंबर ऑफ स्नेक्स पोटेंशियली सोल्ड इन अ डे क्या क्या है? नन 0.4, वन 0.4, टू स्नेक्स। तो थ्री एंड फोर स्नेक्स बेचने का प्रोबेबिलिटी नहीं दिया, मतलब वो पॉसिबल नहीं है, वो जीरो है, ठीक है। सो इफ द shop has two snakes no snakes in stock at the end of the day, the owner contacts his snake supplier to order four more snakes. The snakes are delivered the following morning before the shop opens. The snake supplier makes a charge of C for the delivery. So basically, agar aaj ke din एकदम अपना शॉप इमेजिन करो, ठीक है, आज के डे एंड पे मेरा जीरो स्नेक्स बच रहा है, आई विल ऑर्डर फॉर द स्नेक्स फोर स्नेक्स जो कल मॉर्निंग डिलीवर हो जाएगा, एंड आई विल स्टार्ट अ फ्रेश विद फोर स्नेक्स। राइट डाउन द ट्रांजिशन मैट्रिक्स फॉर द नंबर ऑफ स्नेक्स। तो हमेशा ना एक चीज का ध्यान रखना कि किस चीज का प्रोसेस बनाने बोला है। इट कैन बी एनीथिंग, नंबर ऑफ स्नेक्स सोल्ड, नंबर ऑफ स्नेक्स इन द शॉप, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ किसका है? नंबर ऑफ स्नेक्स इन स्टॉक। हमारे पास शॉप में कितने स्नेक्स हो सकते हैं, इसका क्या पॉसिबिलिटी है? अंडरस्टूड। व्हेन द शॉप ओपन्स इन अ मॉर्निंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मॉर्निंग में शॉप खुल रहे तो कितने स्नेक्स पॉसिबल होंगे हमारे शॉप में, ये बताना है। गिवन द नंबर ऑफ स्टॉक इन द शॉप ओपन इन द प्रीवियस डे, तो इसका क्या मीनिंग है? पहली बात तो ट्रेडिशनल ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटीज आर नथिंग बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि टाइम टी पे जे पे हो, टी माइनस वन पे आई पे थे। तो यहाँ सबसे फर्स्ट बात है वन स्टेप, फिर एसी का हम लोग कुछ छेड़छाड़ किया है। वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालने बोला है, ये चीज क्लियर है, वन स्टेप ट्रांजिशन बोला है, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, वन स्टेप कैसे समझ आ रहे हैं? पहले दिन का सुबह और आज का सुबह, तो कल का पूरा दिन ही हुआ ना,
कल का पूरा दिन हुआ, यस और नो? ठीक है, तो अब बताओ क्या क्या कितना पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, कितने स्नेक्स का पॉसिबिलिटी? चार? क्या, कितने स्नेक्स? वन टू थ्री एंड फोर स्नेक्स, जीरो स्नेक्स पॉसिबल है क्या? क्योंकि कल सुबह मेरा कभी भी अर्ली मॉर्निंग जीरो स्नेक्स में हम स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में ही सप्लायर मेरे को फोर स्नेक्स ला देगा, तो फाइव स्नेक्स पॉसिबल नहीं है. समझा कि जीरो स्नेक्स पॉसिबल नहीं है. क्वेश्चन रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टूड? तो चार स्नेक्स है, चलो करते हैं. अब प्रोबेबिलिटीज भी निकाल लेंगे. क्वेश्चन अपने पास खोल के रखना प्लीज. दिस इज विच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर. सो ट्रांजिशन मैट्रिक्स में वन स्नेक, टू स्नेक, थ्री स्नेक, फोर स्नेक हो गया. रुक जाओ, अब देखो वन से गलत बोल दिया ना पहले ही. वन से स्टार्ट करें आज सुबह, लेट्स सपोज, एंड कल सुबह वन होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? ये कैसे निकालेंगे? प्लीज क्विकली चैट बॉक्स से अनम्यूट, अनम्यूट करो ना, इंटरैक्टिव सेशन है, अनम्यूट करो. संडे है आज, 0.4 एक भी सेल नहीं हुआ, एक भी सेल नहीं हुआ पूरे दिन, और उसका प्रोबेबिलिटी है 0.4. वेरी गुड. नेक्स्ट, रेड पेन बहुत गंदा लग रहा है ना, इसको चेंज करते हैं. चलो थोड़ा कलर्स ऐड करते हैं अपने लाइफ में. हाँ, जो इतना धीरे धीरे तुम बोलते हैं ना, वो सुन जाते हैं मेरे को. नेक्स्ट, वहां पे स्पीकर्स है पता है, वहां पे मतलब माइक है और यहाँ पे स्पीकर है, सुन जाते हैं मेरे को जो तुम बोल रहे हैं. वन से टू जा सकते हैं क्या? आज सुबह वन था और कल टू हो गया, क्यों? वन होगा तो खरीदेंगे नहीं, हम ऑर्डर नहीं देंगे. जीरो जीरो, सिमिलरली थ्री के लिए भी. और वन आज सुबह वन है, कल फोर होगा, उससे क्या प्रोबेबिलिटी है? अब तुम लोग बुद्धि मत लगाना कि ऐड करेंगे, ऐड करने से वन आना चाहिए तो 0.6 होगा, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है, पर 0.6 कैसे होगा? या तो एक, अब देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, अगर एक सेल होगा तो बिक गया, जीरो बचा, आई विल. एंड अगर सपोज रश्मि गई, बोली मेरे को दो स्नेक चाहिए, तो दो स्नेक तो उसके पास नहीं, एक ही मिलेगा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे. मजा आया करके? मजा आया, ठीक है, वेरी गुड, मजा आना चाहिए. नेक्स्ट, टू से स्टार्ट करें आज, कल एक होगा, मतलब एक बेच दिया हमने. अरे तुम लोग बोलो ना कि एक बेच दिया, ऐसे बोलो मेरे को, आंसर तो मेरे पास है इधर. 0.4, ठीक है. टू से टू रहेगा, एक भी नहीं बेचा, प्रोबेबिलिटी इज 0.4 अगेन. टू से थ्री जा सकते क्या? टू से थ्री नहीं जा सकते, तो जीरो. टू से फोर, दो बेच दिया, उसका प्रोबेबिलिटी है, वेरी गुड. टू, कितने मार्क्स का फर्स्ट पार्ट? थ्री से वन, पर अगर ये पार्ट नहीं होगा तो आगे का, दिस इज द कैच. सो ये बेसिकली 19 या 17 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे समझो. थ्री से वन जा सकते क्या? थ्री से वन, श्लोक सो गए. श्लोक, आर यू स्लीपिंग? मैम जा सकते हैं टू से. यार जिसके भी पेरेंट्स का मेरे पास नंबर है, प्लीज क्लास में सोना मत, ठीक है? थ्री से वन, यस, 0.2. टू से टू जा सकते हैं? हाँ, सॉरी, थ्री से टू जा सकते हैं, एक सेल हुआ, 0.3 से थ्री, टीए उपने आप जीरो आ गया. फोर से वन जा सकते हैं, तीन सेल हो सकते हैं, तीन सेल हो सकते हैं एक दिन में, तीन सेल नहीं होगा, जीरो. फोर से टू, एंड फोर से थ्री वन सेल, फोर से फोर जीरो सेल. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? वेरी गुड मैम. हाँ, ट्रांजिशन ग्राफ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड. हाँ,
इसका ट्रांजिशन ग्राफ कैसे बनाएं? ग्राफ बना लो ना, 1 2 3 4 चार स्टेट बनाओ, ऐसे ऐसे एरोस निकाल दो और क्या आपस में, या फिर चार स्टेट ऐसे अगल बगल में बना दो 1 2 3 4 एंड फिर एरोस निकाल दो, ट्राई करो बनाने का, बन okay. जाएगा बोलो. रश्मि गई बोली मेरे को दो चाहिए, पर है एक ही, तो पोटेंशियल तो दो सेल था, तो टू को भी तो ऐड करेंगे ना, आइडियली वही होना चाहिए मॉडल में. ठीक है, आया तो दो सेल के लिए था, ये पक्का एकदम बनिया है. चलो नेक्स्ट. एक बार 1 2 4 कैसे गए अपने 0.6 में? 1 2 4 अगर तुम्हारे, अच्छा इधर ही आ जाओ, वन तुम्हारे पास वन स्नेक है प्रेरणा, ठीक है, इसमें ना इस क्वेश्चन में थोड़ा अपना लॉजिक लगाओ. वन स्नेक है तुम्हारे पास, एक जन आया, एक स्नेक खरीदने, तुमने उसको बेच दिया 0.4 बेच दिया, जीरो हो गया, और जीरो होते ही फोर होगा, जीरो हिट करते ही फोर, दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग स्टेट, रिफ्लेक्टिव चेन, जीरो होती जीरो है ही नहीं, फोर होगा, तो नेक्स्ट डे फोर हो गया. अगर तुम्हारे पास एक जन आया जो दो स्नेक खरीदना चाहते हैं जिसका प्रोबेबिलिटी 0.2 है, तुम्हारे पास पर एक ही स्नेक है तो तुम उसको दोगी ना, एक तो दोगी एटलीस्ट, ऐसा तो वो नहीं बोल रहा कि मेरे को दो चेन तो मैं एक तो दोगी, यस और नो? ओके ठीक है ठीक है. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अरे हो गया यार, प्लीज कैलकुलेट द स्टेशनरी, calculate the stationary distribution for the number of stakes in a stock when shop opens using transition matrix in part 1. to station distribution jaise kal nikal rahe the, bas yahan pe kya hai, hum log kal 2 ya 3 ka hi kar rahe the, yahan pe we have 4 values, to kaise karenge, this is basically p equal to, to pi 1 pi 2 ya to shuru mein aise likh do, pi bar 1 pi bar, chalo let pi 1 pi 2, pi 3 and pi 4 be long run. Probabilities of being in state 1, 2, 3, 4. P se multiply. Dekho, ye jo char equation to banenge, ek aur equation kya banega? Sabko add karke 1. ठीक है, कर लो इसको एक एक करके, दिस विल टेक सम टाइम, आराम से करना. एंड हमेशा एक रूल फॉलो करो, ट्राई टू कन्वर्ट ऑल द इक्वेशंस इन वन एंड फिर उसको कंपेयर करो. ठीक है, यहाँ पे चार है तो दो का भी कर सकते हो, मतलब दो अननोन और दो इक्वेशन, तो दो आ जाएगा वैल्यू दोनों का एंड फिर बाकी वैसे एक एक करके सॉल्व, तो ट्राई करो. ये आ रहे चार इक्वेशंस, ठीक है, एक शॉर्टकट समझ लो प्लीज, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, टाइम लगेगा आप लोग अपने मेथड से कुछ करोगे तो एक शॉर्टकट ये होता है कि सबको एक में कन्वर्ट कर दो.
बेसिकली जो इक्वेशन हमारा वन है इजीली किसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आई थिंक यहाँ पे दो है तो पाई फोर या फिर पाई थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर पाई फोर ही लो ना, पाई फोर इक्वल टू पाई थ्री के टर्म्स में क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू पाई थ्री, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक काम करो, इस वाले पे पाई फोर के जगह पे ये वाला पाई थ्री को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, है ना, एंड देन अगेन यू विल गेट पाई टू इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ पाई थ्री, फिर पाई टू के जगह पे समथिंग इन टर्म्स ऑफ पाई थ्री आ रहा है, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, अगेन यू विल गेट पाई वन इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ पाई थ्री। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम थिंग, तो पाई थ्री पाई थ्री पाई थ्री पाई थ्री के फॉर्म में आ गया, सबको ऐड करके वन करना है बेसिकली। करो ये वाला अप्रोच यूज करो, ट्राई करो इसको निकालने का। बेसिकली यू डोंट नीड दिस, आई थिंक पाई वन पाई टू पाई थ्री आ जाएगा, तो एक तो तुम्हारा ये वाला और एक ये वाला प्लस एक और पाई थ्री खुद का वन, ठीक है, तो वो इस इक्वेशन में फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस वाले इक्वेशन में हम लोगों ने पाई फोर पाई थ्री के टर्म्स में निकाल लिया, पाई टू पाई थ्री के टर्म्स में निकाल लिया, पाई वन पाई थ्री के टर्म्स में, पाई थ्री तो वन ही है तो पाई थ्री आ जाएगा, और पाई थ्री आ जाएगा तो अब क्या होगा ना, अपने आप सभी आ जाएगा क्योंकि सभी एक साथ ही निकाला हुआ है, ठीक है। सो दैट्स अ गुड अप्रोच कि एक एक में कन्वर्ट करके करना, ट्राई करो। आंसर्स बताना चैट बॉक्स में। डेसिमल्स में नहीं, फ्रैक्शंस में बताओ, क्योंकि आगे हम लोगों को फ्रैक्शंस में बेटर, फ्रैक्शंस में क्या एग्जैक्ट आएगा ना, और डेसिमल में एग्जैक्ट नहीं आएगा। क्या बोली वापस से बोलो, पाई थ्री कितना आया, करेक्ट आ रहा है तुम्हारा, कॉन्फिडेंस रखो खुद पे। चीटिंग किया ना तुम लोग, ऑनलाइन तो चीटिंग भी नहीं कर सकते इन लोग। कोई आज कैमरा ऑन नहीं कर रखा है, मैं भी बंद कर देती हूँ अपना कैमरा, संडे इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, ठीक है, इट्स ओके।
इतना टाइम लग रहा है फॉर अ 4 मार्क क्वेश्चन, तो 100 मार्क्स का पेपर कैसे करेगा तुम लोग? वेरी गुड अदिति, अदिति हैज गिवन द करेक्ट आंसर्स, वेरी गुड. एवरी टर्म में आई गेट अ अदिति एज अ स्टूडेंट एंड ऑल अदितिज आर वेरी स्मार्ट. देख लो मैंने आंसर्स लिख दिया, अब खुश हो जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन. आया था तुम्हारा एक भी आया? पाई 3 आया ना बस, ठीक है. पाई 3 करेक्ट आया कि नहीं? ठीक है. तुम लोग का गलत आया. देखो फ्रैक्शन में इसीलिए ना, क्योंकि ये आगे यूज होगा. अब तुम लोग फ्रैक्शन में 3-4 डेसिमल तक लिखोगे तो वो अप्रोक्सीमेट हो जाता है. तो इट्स बेटर कि अगर स्टार्टिंग में है क्वेश्चन, वी राइट इट इन फ्रैक्शंस, बेटर है. दोनों में लिख दो अगर ऐसा है, बट फ्रैक्शंस में विल गेट द मार्क्स, क्योंकि इसको हम यूज करेंगे. और फ्रैक्शन में क्या है, तुम अगर जब फ्रैक्शंस में लिखते हो तो एग्जैक्ट नंबर्स लिखते हो, डेसिमल्स में अप टू 4 या 3 लिखते हो. तो अब मैं बोलती हूँ अप टू 6 लिखो. जैसे हम लोग, क्योंकि अभी तो चलो ऑनलाइन है सब है, हम लोग वी यूज टू राइट टिल 6 डेसिमल्स. तो आइडियली इट शुड बी 6, बट क्योंकि यहाँ पे दिस इज एन इंटरमीडिएट कैलकुलेशन, यू ऑल शुड राइट इट इन फ्रैक्शंस एंड कीप इट. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. डन, यहाँ तक सबका डन हो गया. क्या लिखा हुआ है देखो. कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म एवरेज नंबर ऑफ रीस्टॉकिंग प्लेस्ड बाय द शॉप ओनर पर ट्रेडिंग डे. कैलकुलेट एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म एवरेज नंबर ऑफ रीस्टॉकिंग ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय द शॉप ओनर पर ट्रेडिंग डे. मतलब ऑन एवरेज इन लॉन्ग टर्म ट्रेडर जो है वो कितना रीस्टॉक करेगा. अब ध्यान से रुक जाओ एक मिनट, एज दिस इज योर फर्स्ट सम. तो यहाँ पे हम लोग को ये क्या मिला है, लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीइंग इन स्टेट 1, 2, 3, 4. अब हम रीस्टॉक कब करते हैं, जब हमारा 0 हो जाएगा. अब 0 कब होगा, अगर हम लॉन्ग टर्म में 1 पे हैं, स्टेट 1 पे, और एक या एक से ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं तब हम रीस्टॉक करेंगे. अगर हम 2 पे हैं और 2 ऑर्डर आ रहे हैं तो रीस्टॉक करेंगे. अगर हम 4 पे हैं तो रीस्टॉक कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही ऑर्डर आएगा. और अगर हम 3 पे हैं तो भी रीस्टॉक नहीं होगा. सो बेसिकली इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे पार्ट 3 को. पार्ट 3 इज बेसिकली 0.6 इंटू पाई 1. क्यों 0.6 इज दो चीज, 0.4 प्लस 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑर्डर, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू ऑर्डर्स. अगर ये ऑर्डर करेंगे एंड हम स्टेट 1 पे हैं, ऑर्डर करने का 0 होने का प्रोबेबिलिटी 0.6 है. प्लस हम 0.2, वेरी गुड, 0.2 पाई 2, हम स्टेट 2 पे हैं इन द लॉन्ग रन, उसका प्रोबेबिलिटी 0.2, ये उसका प्रोबेबिलिटी पाई 2 है. सो बेसिकली लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, लॉन्ग टर्म एवरेज नंबर निकालना है, कितना बार हम लोग रीस्टॉक करेंगे ये हम लोग को निकालना है. तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग प्रोबेबिलिटीज को लॉन्ग टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. बाकी तो है ही नहीं, बाकी 0-0 है. तो इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है. इसको डेसिमल्स में बताओ. क्लियर है? मैम 0.6 इनटू पाई 1 एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए ना प्लीज. तुम एक ही कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे मरूफ, तुमको थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा. मैंने इसी कॉन्सेप्ट को बार बार एक्सप्लेन किया, तुम इस चीज को दिमाग में घुसाओ कि अगर मेरे पास एक है, अगर मैं स्टेट 1 पे हूँ और मेरे पास एक स्नेक है, तो अगर दो जन आए, मतलब एक जन आया जो दो स्नेक को ऑर्डर लेके आ रहे हैं,
तो भी तो हम जीरो पे जाएंगे, तो इट इज बेसिकली 0.4 प्लस 0.2 विच गेट्स अस टू 0 विच गेट्स अस टू 4 रीस्टॉक करके. अंडरस्टैंडिंग ये कॉन्सेप्ट को अभी तुमको समझो। समझना होगा. ओके ओके एनी डाउट प्लीज आस्क. आप लोग अगर आप लोग को लाइव क्लास अटेंड करके समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप लोग सो जाओ उससे अच्छा. इसीलिए कोई भी डाउट है प्लीज आस्क इवन मल्टीपल टाइम्स. प्लीज एक बार लिख दो यस नो इफ इट्स क्लियर और नॉट, क्योंकि इस टाइप का समझ ही आता है. सो ऑन एवरेज एक्सपेक्टेड एवरेज नंबर ऑफ रीस्टॉकिंग पर ट्रेडिंग डे क्या होगा? 0.184. हाँ मरुफ बोलो. मैम, अगर स्टॉक में 3 स्नेक्स है और एक सेल हुआ तो पाई 3 भी ले सकते हैं ना? क्यों लेंगे? तुम क्वेश्चन ही ठीक से नहीं रीड किया है इसका मतलब. रीड द क्वेश्चन 10 टाइम्स. जब 0 होगा तभी हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, जब 3 होगा तब कैसे होगा? जब 3 होगा तो मैक्सिमम 2 सेल्स हो सकता है, मतलब एंड ऑफ द डे एक स्नेक बचेगा. तो वो जो एक स्नेक बचेगा तो हम लोग एक स्नेक पे रीऑर्डर नहीं कर रहे. अच्छा, सॉरी, आई वाज कंफ्यूज्ड विद पाई 3 एज द ऑर्डर, मतलब नंबर ऑफ स्नेक्स ऑर्डर्ड. तुम लॉस्ट हो, तुम अच्छे से थोड़ा पढ़ो विद कंसंट्रेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सब इजी नहीं है, ये दीज क्वेश्चंस दैट वी आर डूइंग आर नॉट इजी एट ऑल. तो थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो प्लीज. अब नेक्स्ट क्या बोल रहे देखना. इफ अ कस्टमर अराइव्स इंटेंडिंग टू परचेज अ स्नेक एंड देर इज नन इन स्टॉक, द सेल इज लॉस्ट टू द राइवल पेट शॉप. ऑब्वियसली यही होता है. कैलक्युलेट द एक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म नंबर ऑफ सेल्स लॉस्ट पर ट्रेडिंग डे. पर ट्रेडिंग डे मैं कितना लूज करूंगी ये निकालना है, खुद से निकालो. चलो बहुत ही सिंपल है, मतलब इससे सिंपल कुछ हो सकता है? तुम विंडो से फेंक देंगे तुमको. तुमको भी विंडो से फेंक दें? तुम लोग आंसर्स बोल के क्या प्रूफ करना चाहते हो? तुम लोग बहुत स्मार्ट हो. नहीं, मैंने बोला सोचो. हु विल आंसर? अदिति आंसर. हाँ, 0.251. करेक्ट. तुमने आंसर भी कितने अच्छे से दिया है. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द फाइनल आंसर. आंसर निकालेंगे कैसे ये बताओ. पैरेलल टीचिंग बंद करो भाई. हाँ मैम, अगर स्टॉक में एक स्नेक है और 2 ऑर्डर आ गया तो उस डे करेक्ट. पे, वो अगर डे पे कोई कस्टमर करेक्ट अगर हम लोग चलाएंगे? स्टेट 1 पे हैं एंड 2 ऑर्डर, जैसे रश्मि आ रही थी 2 के लिए, वो क्या बोलेगी? मैं नहीं ले रही, मैं बगल वाले से जाके खरीद रही हूँ, है ना? तो वी लॉस्ट. तो एक स्नेक होने का क्या है? पाई 1 × 0.2 कितना आ रहा है? वेरी गुड, मजा आ रहा है करके. हाँ मैक्स तो 2 ऑर्डर एक दिन में. अब तुम जाके अपने शॉप का मॉडलिंग कर सकते हो ऐसे. ठीक है, मेरे को कमीशन दे देना, मैंने सिखाया ना तुम्हें. चलो, द ओनर इज अनहैप्पी, बेचारा उदास है अबाउट लूजिंग दीज सेल्स एज देर इज अ प्रॉफिट ऑन ईच सेल ऑफ पी. अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया था स्टार्टिंग में? पर ऑर्डर जो वो देता है वो डिलीवर करेगा, उसका सी है डिलीवर का, है ना? ठीक है, ईच सेल से मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है? ही देयरफॉर कंसिडर्स चेंजिंग हिज रीस्टॉकिंग अप्रोच टू प्लेस एन ऑर्डर बिफोर ही रन आउट ऑफ स्नेक्स. मतलब अब वो अपना अप्रोच चेंज कर रहा है. द चार्ज
for delivery remains at C irrespective of how many snakes are delivered. Evaluate the expected number of restocking orders and the number of lost sales per trading day, जो हमने पार्ट 3 and 4 में किया बेसिकली. If the owner decides to restock, if there are fewer than 2 snakes remaining in the stock at the end of the day, fewer than 2 मतलब 0 या 1, 2 नहीं लेंगे. Fewer than 2 बोला है तो 2 नहीं लेंगे, 0 या 1. तो 0 हो रहा था तब तो कर ही रहे थे, अब 1 हो रहा है तो भी reorder कर दे रहे हैं. और 1 के बाद सीधा कहां जाएगा? 4. तो अब तुम लोगों क्या करना है ध्यान से सुनो. I'll give you all time. नया transition, नया Markov chain बनेगा, new states बनेंगे and new transition matrix बनेगा. और part 3 and 4 जो किया था, basically stationary distribution दोबारा से निकालोगे and जो 3 and 4 किया था, वो वापस से करोगे. So I'm giving you 5 minutes. चलो. अच्छा ले एक एक बार एक discuss कर लेते कि कितने states बनेंगे, at least ये discuss कर लेते हैं. हाँ? कूद जाओ जाके, ठीक है, यहां से विंडो से. हाँ, क्यों एक सेकंड ध्यान देना, यहाँ पे कितने स्टेट्स बनेंगे इन द चैट बॉक्स क्विकली. मैम 2, 3, 4. वेरी गुड. हम लोग का क्या था, आज का सुबह और कल का सुबह ये था ना, तो आज का सुबह हम लोग 1 से कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कल रात में 1 है तो तुरंत रीस्टॉक कर दे रहे हम लोग, तो आज सुबह 1 से करेंगे ही नहीं. वेरी गुड अदिति, हितेश 1, 2, 3, 4 होगा, ठीक है. सो नाउ द न्यू मार्कोव चेन विथ 3 स्टेट्स इज 2 snake, 3 snake, 4 snake. अब प्रोबेबिलिटीज निकाल लो, ये मैं करके दे रही हूँ ताकि फिर आप लोग आगे कर सको क्वेश्चन. 2, 3 and 4 बताओ. 2 से 2 जाना, आज हम लोग सुबह 2 से स्टार्ट करें, कल 2 पे कब जाएंगे? कोई सेल नहीं हुआ, कोई सेल नहीं हुआ तभी, नहीं तो फिर अगले दिन अगर कुछ भी, अगर 2 सेल होगा तो कल 4 हो जाएगा, तो कोई सेल नहीं हुआ, तो उसका प्रोबेबिलिटी इज 2 से 3 जा सकते हैं, नहीं 2 से 4 कैसे? अगर 1 सेल होता है तो 1 पे जाएंगे तुरंत रीऑर्डर, और अगर 2 सेल होता है तो 0 पे जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 0.6. अब 3 पे खड़े, 3 से 2 1 सेल, 3 से 3 0 सेल्स, 3 से 4 2 सेल्स, 2 सेल्स होते ही 1 पे जाएंगे, 2 सेल होते ही 1 पे जाएंगे, और 1 से सीधा 4 रीऑर्डर, 4 से 2 2 सेल्स हुआ, और 2 बचा एंड में, कुछ नहीं करेंगे आज हम लोग, 2 स्नेक से ओपन करेंगे फिर. उसके बाद 4 से 3 1 सेल और 9 सेल, ठीक है, बन गया. इसका अब लॉन्ग टर्म निकालो. पूरा कंप्लीट करो, पार्ट 3 and 4 में जो निकाले हो वो भी निकालना है.
Any question at 0.4 plus 0.52? Second division. I want to know actually, I'm not going to buy one.
ये वाले यहाँ से डी सी है फाइव टू फाइव चलो भाई ये बता दो खाली मेरे को कि सारे आई डोंट थिंक मेरे को ये सॉल्व करने का जरूरत है अभी. बोलो आंसर्स बोलो. वेरी गुड. तो ये आ गया सबका. अब देखो इन लोग ने आंसर्स भी लिख के भेज दिया. वेरी गुड. तो अब हम लोग को पहला निकालना है एवरेज रीस्टॉकिंग. अब रीस्टॉकिंग कब होगा? टू पे रीस्टॉकिंग होगा क्या? दो सेल होते दो सेल या फिर वन सेल तो कितना होगा? 0.6 इंटू पाई टू प्लस थ्री और थ्री होगा. तो अगर टू सेल्स होगा तो ही 0.2 इंटू पाई थ्री. पाई फोर पे नहीं. इसका आंसर क्या आ रहा है? वेरी गुड. ठीक है. अब इसके बाद क्या बोला है? नंबर ऑफ ये हो गया रीस्टॉकिंग. लॉस सेल्स जीरो. वेरी गुड. तो ये लिखना है कि लॉस सेल्स जीरो है. क्यों? एक्सपेक्टेड लॉस सेल्स जीरो है. क्यों? क्योंकि फोर है तो दो ही हो सकता है और टू है तो दो ही हो सकता है. तो लॉस सेल जीरो क्या? वेरी गुड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस पूरे पार्ट का, पूरे क्वेश्चन का, जहां पे बोल रहा है द पेट शॉप ओनर वॉन्ट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑब्वियसली ही मेक्स ऑन द स्नेक्स. डिराइव अ कंडीशन इन टर्म्स ऑफ सी एंड पी अंडर विच द ओनर शुड चेंज from only restocking when there are no snakes in stock to restocking when there are fewer than two snakes in the stock. तो बेसिकली फर्स्ट वाले में हम लोग जब जीरो हो रहा था तब रीस्टॉक कर रहे थे बट देर वॉज सम लॉस्ट इन सेल्स. सेकेंड केस में यहाँ पे वन एंड जीरो दोनों पे रीस्टॉक कर रहे हैं तो हमारा ऑब्वियसली कॉस्ट इंक्रीज होगा बिकॉज रीस्टॉकिंग का कॉस्ट है सी. तो एक इक्वेशन बताओ so that hamara restocking of fewer than two snakes profitable ho. try karo khud se karne ka isko. acha ek to question maine skip kar diya bhool se. explain why restocking when two or more snakes remain in stock cannot optimize stock's profit. to ye to bahut easy hai. ye tum log acche se explain karke likh sakte ho ki agar three snakes hai for example या फिर चलो टू से स्टार्ट करो. टू स्नेक्स है तो मैक्सिमम टू स्नेक्स होगा तो वो जीरो हो जाएगा तो हम रीस्टॉक कर लेंगे. बट अगर टू स्नेक्स एट द एंड ऑफ द डे है तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैक्सिमम टू सेल्स ही है. अगर थ्री स्नेक्स है एट द एंड ऑफ द डे तो हम लोग को नेक्स्ट डे जरूरत नहीं है बिकॉज टू. तो हर एक स्टेट का एक एक करके बता दो तो ये हो जाएगा. ठीक है. और रीस्टॉक का क्योंकि कॉस्ट है इट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट तो हम लोग तभी रीस्टॉक करेंगे जब हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स मिनिमम जीरो हो जाए. अब नेगेटिव तो हो नहीं सकता कॉस्ट ऑफ लॉस्ट ऑफ सेल्स नेगेटिव तो हो नहीं सकता. तो हम लोग का इससे ज्यादा अब हम लोग ऑप्टिमाइज इसको
नहीं कर सकते. यस मरूफ बोलो. ठीक है नहीं मैम डन. चलो ट्राई करूं. मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ. बहुत सिंपल है, ध्यान देना. जब हम लोग का रीस्टॉकिंग जीरो स्नेक्स पे हो रहा है तो कितना नंबर ऑफ आ रहा था बताना फ्रैक्शंस में, ऑर्डर ऑन एवरेज. अरे नंबर ऑफ ऑर्डर पर एवरेज ऑर्डर्स कितने आ रहे थे हमारे थर्ड पार्ट फ्रैक्शंस में. 430 सी ये कॉस्ट है हमारा, एवरेज कॉस्ट इन द लॉन्ग रन पर डे. नॉट दिस इज द कॉस्ट प्लस हम लोग का लॉस्ट सेल्स कितना आ रहा है. लॉस्ट सेल्स कितना आ रहा है पार्ट फोर 20 नहीं टू बाई 43 आ रहा था ना. तो ये एक सेकेंड ध्यान देना है. यहाँ पे 2/43 क्या है, लॉस सेल्स विच इज ऑल्सो कॉस्ट टू द फर्म ना, कि हम वो बेच नहीं पा रहे, तो इन टू पी क्योंकि पी इज द प्रॉफिट. तो ये पूरा हमारा कॉस्ट है व्हेन वी आर रीस्टॉकिंग एट जीरो एंड व्हेन वी आर रीस्टॉकिंग एट फ्यूअर देन टू. तो हमारा ये वाला तो पोर्शन है ही नहीं इस केस में. तो ये सी वाला क्या आ रहा है बताओ, मतलब नंबर ऑफ रीस्टॉकिंग कितना आ रहा है, एवरेज नंबर ऑफ रीस्टॉकिंग कितना आ रहा है. अभी तो निकाला था 27/110 सी. यस और नो, यस और नो. यस यस. तो ये हो गया हम लोग का एवरेज नंबर ऑफ रीस्टॉकिंग जब हम लोग टू. अब हम लोग कब रीस्टॉक करेंगे टू से कम, जब ये जो कॉस्ट है इज लेस देन दिस. यस और नो. तो इक्वेट करो 27 ये सी है, टी और पी के टर्म्स में बताओ क्या आएगा, बेसिकली सी लेस देन क्या आएगा. वेरी गुड. ठीक है आया सबका आंसर. बस आ गया आंसर. एक बार यस लिख दो अगर आ गया तो. ठीक है नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, याद रखना लास्ट क्वेश्चन हमेशा सबसे बड़ा होता है. वो क्वेश्चन ही नहीं है इसमें. अप्रैल 2011 क्वेश्चन 12. हाँ ये वाला. चलो रीड करो.
ये एनसीडी मॉडल 2 के जैसा है। देखो क्वेश्चन है, फार्मर गिल्स मेक्स हे ईच ईयर एंड ही मेक्स फार मोर देन ही कुड पॉसिबली स्टोर एंड यूज हिमसेल्फ बट ही डज नॉट ऑलवेज सेल इट। He has decided to offer incentives for people to buy large quantities so that he does not sit in his field deteriorating. He has devised the following discount scheme. He has a base price of 8 per bale. KG ya kuch hota hoga inka alag. Then he has 3 discount levels. G, good price, 10% discount on the original. L is the loyalty, 20% discount. And S is the super price, which is 25% discount. Customers who increase their order compared with last year move one higher discount level or remain at S. Customers who maintain their order, who maintain, matlab nahi kam, nahi zyada, maintain their order from the last year, remain at the same discount level. Customers who reduce their order from last year drop one level discount or remain at B, provided that they maintained or increased their order in the previous year. So, matlab agar last year maine apna order maintain kiya hai ya increase kiya hai aur is year maine reduce kiya, to main one level niche jaungi. Customers who reduce their order from the last year drop two levels if they also reduced it last year. So, if last year I have reduced it and this year I have reduced it, then this is the Markov. No, Markov. No, Markov property. No, okay. So, now let's explain. Explain why a process with the state space BGLS does not display मार्कोव. तो इसको कैसे समझाएंगे, देखो हम लोग को क्रिटिकल स्टेट कौन सा मिल रहा है, ध्यान से बताना क्रिटिकल स्टेट कौन सा है हमारा, कैसे? वेरी गुड. तो क्रिटिकल स्टेट हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि क्रिटिकल स्टेट कैन बी एल, क्योंकि एल ही एक ऐसा स्टेट है जहां से आप दो या एक नीचे जाओगे. अच्छा, जी पे हो तो पिछले से मतलब नहीं है, एक ही नीचे जाएंगे, दो जाएंगे तो भी बी पे ही जाएंगे, तो डजंट मैटर. बी पे है तो नीचे जाएंगे ही नहीं, उसी पे रहेंगे. एस पे है तो इसका मतलब ही ये है कि लास्ट टाइम हमने इंक्रीज किया है, लास्ट टाइम हमने इंक्रीज किया है या तो मेंटेन किया है तो ही हम एस पे हैं, और इस ईयर अगर हम रिड्यूस करेंगे तो एक ही लेवल नीचे जाएंगे, दो लेवल नीचे जाने का स्कोप ही नहीं. तो बचा एल. L में दो पॉसिबिलिटी निकल रहे हैं, कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, सुन लो आप लोग बाद में लिखना. सो बेसिकली यू विल राइट दैट इन, अच्छा लिख लो, चलो पार्ट वन लिखो. इन दिस मॉडल स्टेट L, इंडिविजुअल्स इन स्टेट L, इन दिस मॉडल इंडिविजुअल्स इन स्टेट L हु रिड्यूस देयर ऑर्डर Have different probabilities of future movements. Depending on whether they part one dash dk part one. Increased slash maintained or part two, reduced their order the previous year. ये कौन सा question number है? Stop. They will drop
either one or two levels, either one or two levels, depending on their previous action. Full stop. This violates the Markov property, which requires the current state, which requires that the current state fully determines the future probability. ये एक दूसरा तरीका है दिखाने का. सो बेसिकली एक्स एन माइनस वन पे एल पे है एंड जी पे जाएंगे विल डिपेंड ऑन एन माइनस टू पे कहां थे. तो अगर हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ L पे थे तो मतलब हमने मेंटेन किया या फिर S पे भी हो सकते हो, दोनों लिख सकते हो, कुछ भी, एनी वन. तो L पे है या S पे है और वन लेवल नीचे जाएंगे, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? कुछ दिया है क्या इन्होंने प्रोबेबिलिटीज? नहीं दिया. तो इसका कोई एक लेट्स सपोज P है अभी के लिए, मतलब कि प्रोबेबिलिटी कि वो रिड्यूस कर रहा है अपना. ठीक है, लेट्स सपोज लेट P बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग. अब यहाँ पे अगर वो L पे था, नहीं, अगर वो G पे था और फिर L पे आया है, ये मैंने गलत लिख दिया, इधर G होना चाहिए, मेंटेन किया या ऊपर आए, एंड यहां पे होना चाहिए S. तो ये S है, मतलब कि उसने वन लेवल नीचे किया, तो अभी जीरो हो जाएगा ये. क्यों? क्योंकि वो जी पे जाएगा ही नहीं, वो बी पे जाएगा सीधा. इज दिस क्लियर? तो ऐसे भी लिख के यू कैन एक्सप्लेन, ऐसे लिख दो एंड एक्सप्लेन दिस. सो बेसिकली डिपेंड्स ऑन एन माइनस टू, तो मार्कोव नहीं है. अंडरस्टूड? ये लिख लो, ये मटीरियल नहीं है, मतलब आंसर्स में से नहीं दे रखा है. मैम इसको तो एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा पर अच्छे से. हाँ मारूफ बोलो. मैम इंस्टेड ऑफ जी एन एक्स एन इक्वल टू जी, अगर एक्स एन प्लस वन इक्वल टू जी किया और अकॉर्डिंगली सारे चलेगा. तो बेसिकली सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, डिफाइन एनी एडिशनल स्टेट्स रिक्वायर्ड टू मॉडल द सिस्टम. तो हम लोग क्रिटिकल स्टेट मिल चुका है एल. कंस्ट्रक्ट द ट्रांजिशन ग्राफ. तो अब हम लोग को क्रिटिकल स्टेट एल मिल गया है, तो एल को हम लोग अब L प्लस L माइनस पे तोड़ेंगे. डिफाइन करो कि L प्लस क्या है, L माइनस क्या है. तो L प्लस यूजुअली हम लोग लेंगे कि उसने लास्ट टाइम इंक्रीज किया है या मेंटेन किया है ऑर्डर, एंड L माइनस डिफाइन करेंगे कि लास्ट टाइम लॉयल्टी, मतलब ऐसे डिफाइन करना है. सुन लो, L प्लस को ऐसे डिफाइन करना है, करंटली मेंबर्स आर इन लॉयल्टी, लॉयल्टी है ना ये, लॉयल्टी डिस्काउंट लेवल. Who maintained or increased their order in the previous year? इसमें L minus में they are currently in loyalty price. Last time they decreased their order. Hello. But अभी तुम कहाँ हैं वो बताना पड़ेगा ना कि L plus मतलब अभी तुम loyalty पे, ये भी तो बताना पड़ेगा. तो ऐसे लिखो कि करंट द मेम, ऐसे लिख दो ना, मेंबर इज इन लॉयल्टी प्राइस हु इंक्रीज्ड और मेंटेन्ड हिज ऑर्डर इन द प्रीवियस ईयर. नहीं, सेम है. एल माइनस का प्रीवियसली दे हैव डिक्रीज देयर ऑर्डर ना. ओके ओके, तो तीन बनेगा, मतलब चार बनेंगे, सॉरी पांच.
एस नहीं एस से क्यों स्टार्ट करते हैं, बी से स्टार्ट कर, बी है ना शुरू का, हाँ बी जी एंड एस अब एक बार यहाँ ध्यान देना प्लीज, क्या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज कुछ भी गिवन है तो खाली ग्राफ में एरोज बना के छोड़ेंगे, यहाँ देख लो, नहीं 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 अपने मन से, क्योंकि आगे क्वेश्चन में इन्होंने डिफाइन किया है, पूरा क्वेश्चन रीड कर लो आगे डिफाइन किया, तो बी से जी जा सकते हैं क्या, ठीक है अगर हम ऑर्डर इंक्रीज करते हैं, बी से बी में रह सकते क्या, सेम मेंटेन करें, जी से बी में जा सकते हैं क्या, और यहाँ पे भी एक लूप होगा, एक्चुअली इसमें सब में ही लूप है, ठीक है एक बार देख लो, जी से इंक्रीज करेंगे तो एल प्लस पे की एल माइनस, एल प्लस क्योंकि इंक्रीज किया है, ठीक है एल प्लस पे खड़े, एल प्लस से मेंटेन किया तो किस पे जाएंगे, एल प्लस पे, इंक्रीज किया तो और डिक्रीज किया तो जी, वेरी गुड, बी पे नहीं जाएंगे, एल माइनस का देखो, एल माइनस पे खड़े इंक्रीज किया तो एस, डिक्रीज किया तो और एल माइनस पे मेंटेन किया तो वेरी गुड एल प्लस, क्यों एल प्लस, क्योंकि मेंटेन किया ना तो एल प्लस पे चले गए, एल पे ही है लॉयल्टी ही मिल रहा है, इस पे भी तुमको 20%, इस पे भी 20% ही मिल रहा है, बट कॉन्सेप्ट क्या है एल प्लस का कि मेंटेन किया, तो एल माइनस पे नहीं रह सकते, एल प्लस पे जाना होगा, क्लियर बोलो ये चीज, हाँ हाँ अभी मैंने एस का बनाया नहीं है, एस से अगर डिक्रीज करेंगे तो कहाँ जाएंगे, वेरी गुड, और एस से एस पे रहेंगे तो मतलब इंक्रीज करेंगे या मेंटेन करेंगे तो एस पे रहेंगे, बना लो इसको, एस से जब हम लोग एल माइनस वन एल माइनस पे जाएंगे तो ये नहीं डिफाइन कर रहे कि एस पे हम लोग लास्ट ईयर मेंटेन या इंक्रीज करके आए थे, एस पे रहने का मतलब ही ये है कि तुमने या तो इंक्रीज किया या मिन, हाँ और कम हो रहा है तो मतलब सीधा एल माइनस, हाँ क्योंकि एल माइनस पे जा रहे हैं, मतलब एल माइनस पे अगर अभी खड़े हो तो मतलब हम पिछली बार कम करके आए तो एस से ही आए होंगे ना, इसीलिए अब देखो नेक्स्ट, फार्मर गिल्स थिंक्स that each year customers have 60% likelihood of increasing their order, 30% reducing, to baki 10% kya ho gaya maintaining, write down transition matrix, calculate stationary distribution, hence calculate long term average price that the farmer will catch, right kya ho gaya ye, ha to transition matrix bana lo, b ग्राफ बन गया तो मैट्रिक्स तो बन ही जाएगा, जी एल प्लस एल माइनस एस, चलो एक एक करके यहां बताओ फिर मैं टाइम दूंगी करने का, बी से बी पे रहने का मेंटेन किया पॉइंट एंड रिड्यूस भी किया, पॉइंट कैसे ऐड, क्या क्या ऐड करके आया, पॉइंट थ्री प्लस पॉइंट वन तो पॉइंट फोर, इंक्रीज करने का क्या दे रखा है, ये तो जा ही नहीं सकता, जी से बी एक बार रिड्यूस करने का क्या है, मेंटेन करने का और इंक्रीज करने का, एल प्लस से बी में जाने का नहीं जा सकते, एक ही स्टेप नीचे जाएंगे, उसका प्रोबेबिलिटी है पॉइंट थ्री, रिड्यूस करने का, मेंटेन करने का
और ये वेरी गुड। एल माइनस से बी जा सकते हैं, अगर एक बार रिड्यूस किया एल माइनस है मतलब पिछले बार कम होके आए हैं तो 0.3 जी पे नहीं एल प्लस पे मेंटेन किया तो एल माइनस एस एस से भी नहीं। वेरी गुड 0.7 अगर मेंटेन किया या इंक्रीज किया तो 0.7। अब इसका चलो जल्दी से निकाल लो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, 5 है यहाँ पे तो अगेन एक में सबको कन्वर्ट करके चलो 5 मिनट्स लगेगा कर लो। आंसर्स बताना मेरे को फिर अच्छे से।
डिस्कस मत करो, अपने आप अकेले अकेले करो। आ गया आ गया पूरा आ गया नहीं आया? अरे मैंने भी इधर ठीक अभी तक आ गया। हाँ तो करो करो फिर करो, कोई भी एक आ गया तो बताओ एटलीस्ट। पाई पाई एस क्या आया? क्या करेक्ट? अब बाकी निकाल लो। चलो हितेश ने एकदम सही भेजा, वेरी गुड वेरी गुड हितेश। अगर ऐसा ही काम करना होगा ना तो वो लाइव क्लास नहीं अटेंड करेगा, वो लाइव ही है। ठीक है, तुम लोग यहाँ बैठ के भी कुछ नहीं करते हो। फोर्टी बाय वेरी गुड। बाकी सब जो नहीं निकाले कॉपी कर लो आंसर। और आप लोग को आप लोग का स्पीड समझ में आ रहा है? अगर क्लास में एक भी जन का निकल रहा है मतलब आप लोग स्लो हो, और आप लोग का अगर नहीं निकला है मतलब आप लोग क्या हो क्या हो? वही तो बात है ना कि एक घंटा नहीं, स्मार्टली करना है। इसमें मैंने क्या बोला, एक में सबको कन्वर्ट कर लो। तुमको 19 ये जो मार्क्स का सम है इसमें तुमको नॉट मोर देन हाफ एन आवर लगाना है, ये टारगेट होना चाहिए। अभी तो स्टार्ट किया है, अभी तो स्टार्ट किया, आज तो फर्स्ट क्लास है, आज तो थर्ड सम कर रहे हो, अभी तो स्टार्ट किया है। विथ प्रैक्टिस इंप्रूव होगा ना।
यस मरूफ मैम ये जो l प्लस एंड l माइनस है तो बोथ विल बी हैविंग 20% डिस्काउंट लेवल नो यस करेक्ट 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 दोनों में 20% डिस्काउंट है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक पार्ट छूट रहा था एक पार्ट बोल रहा है ये हो गया ये हो गया इसमें बोला है कैलकुलेट लॉन्ग रन एवरेज प्राइस ही विल गेट फॉर ईच बेल ऑफ हे तो प्राइस कितना था स्टार्टिंग वाला बेस प्राइस 8 है तो क्या हो जाएगा 8 इंटू पाई 1 प्लस इसमें कितना परसेंट डिस्काउंट दिया इसने तो कितना आ गया पॉइंट सॉरी पॉइंट नहीं 7.2 पाई 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 6.4 आप लोग इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो शॉर्टकट ये है देखना यहाँ पे 8 बाहर ले लो पाई 1 प्लस 0.9 पाई 2 प्लस 0.8 पाई 2b कितना परसेंट है निकालो आंसर 8 रुपीज है ना 8 जो भी है पर बेल का अगर वो बेस में है फिर 10% डिस्काउंट देगा मतलब वो कितना पे करेगा यहाँ पे ऐड होगा वो कितना पे करेगा 7.2 80% डिस्काउंट 80% डिस्काउंट 75% डिस्काउंट सॉरी 25% डिस्काउंट बेसिकली ये जो अंदर आएगा ना ये एवरेज डिस्काउंट लेवल आ जाएगा एवरेज डिस्काउंट लेवल इन द लॉन्ग रन आ जाएगा आंसर बताना 6.52 वेरी गुड पाउंड्स नहीं तो 0.5 कट हो जाएगा पाउंड्स नहीं लिखने से एनी मोर डाउट एनी मोर डाउट एक्सप्लेन कर देना कि तुम 1, 2, 3, 4 को क्या बोला है स्टेट 1 इज दिस स्टेट 2 इज दिस स्टेट 3 इज दिस ऐसे आपने अंदर वाला क्या बोला लॉन्ग रन एवरेज प्राइस एक्सपेक्ट डिस्काउंट डिस्काउंट 8 को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइस हो गया करेंगे तो प्राइस हो गया एवरेज प्राइस हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं प्लीज सी नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया नहीं ये सबका यस लिखो प्रेरणा चिराग श्लोक प्रियांशी पुनीत भावेश जतन हितेश विधि अदिति एबी सान्या अक्षत मारूफ हर्षिता जिज्ञासु अमन मेहुल तुम्हारा नाम क्या है हर्षिता रश्मि साक्षी मजा है ना मेमोरी वाला गेम खेलते थे ऐसे हम लोग चलो कैलक्युलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर हु इज करंटली पेइंग लॉयल्टी प्राइस मतलब एल प्लस एंड एल माइनस बोथ विल पे एल इन 2 इयर्स टाइम कैसे निकालेंगे हाँ बोलो मरूफ मैम उसको मतलब वो एस पे जा सकता है एक साल में फिर वापस आ सकता है या दोनों साल एल पे ही रह सकता है बस इतना सा समय है ये मैम इसमें हम यही है हाँ दीदी बोलो कर सकते हैं और फिर उसमें जो एल का जो चार प्रोबेबिलिटीज आएगा एल माइनस एल प्लस एल माइनस एल माइनस एल प्लस एल माइनस और एल प्लस एल प्लस उनको ऐड कर देगा तो हो जाएगा ना I mean, yes, you can do that also. मतलब वो बोल रही है पी स्क्वायर निकालो ठीक है एंड पर पी स्क्वायर निकालो अच्छा मैं पी यहाँ पे दिखाती हूँ सपोज मान लो ये पी स्क्वायर है तो उसमें बेसिकली वील एड दीज फोर
एल प्लस से एल प्लस एल प्लस से एल माइनस, मतलब एल से स्टार्ट कर रहे हो और एल पे लैंड अप कर रहे हो. कैन डू, ठीक है, ओके. क्वेश्चन में क्या है, वापस से रीड करते हैं. प्रोबेबिलिटी कस्टमर जो अभी करंट लॉयल्टी दे रहा है, अब ये हमें नहीं पता कि एल प्लस है या एल माइनस है. सो यू कैन मेक एन अजम्पशन कि 0.5 आधे कस्टमर्स एल प्लस पे, 0.5 एल माइनस पे, एंड देन यू कैन स्टार्ट. ठीक है, 0.5, 0.5, 0. ये हमारा इनिशियल स्टेट स्पेस हो गया, एंड देन यू कैन पी स्क्वायर एंड डू. तो पी स्क्वायर खाली निकालना गलत होगा, क्योंकि पी स्क्वायर आपको टू स्टेप ट्रांजिशन, बट स्टार्टिंग क्या होगा, दैट्स द थिंग, दैट्स द कैच. तो ये एक है. दूसरा, आप एवरेज ले सकते हो. तो देखो इस सम को कैसे करेंगे, दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. मैंने पर्पसली ये क्वेश्चन उठाया. तो यहाँ पे समझ समझ के करेंगे. इन्होंने मटेरियल में दो तरीके दिए सॉल्व करने के, कि हम एवरेज यूज कर सकते हैं इसको, इसको एंड इसको एज एन एवरेज हम यूज कर सकते हैं. कि पॉइंट ये वाला, सॉरी ये दोनों को एवरेज यूज करेंगे, सॉरी. तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे 8/81 and 12/81. सो बेसिकली अगर वो पाई एल प्लस पे है तो उसको हम बोलेंगे 8/81 / इन दोनों का एडिशन. तो 8/8 + 12, तो हाफ हाफ नहीं लेके ऐसे आप इनिशियल स्टेट ले सकते हो. दिस इज वन वे. अनदर वे, एक हो गया 0.5 लेके इनिशियल x0 बना रहे हो, या फिर x0 ऐसे बना रहे हो. अंडरस्टूड, ठीक है. तो देखो क्या करना है इधर, देखो क्या करना है. सो बेसिकली हम लोग एक बार देख लो, फिर मैं टाइम दूंगी लिखने का. हम लोग को ये निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स टी प्लस टू इज एल गिवन एक्स टी इज इक्वल टू एल, ठीक है, ये निकालना है. नाउ वी ऑल्सो नो दैट गिवन एक्स टी कैन आइदर बी एल माइनस और इट कैन बी एल प्लस. एक सेकेंड, इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को. एल गिवन एक्स टी इक्वल टू एल माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स टी, यही था ना प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी का. एल अब जो मैं ऊपर डिस्कस करी थी 8/81 और वो, तो वो बेसिकली मैं इसके लिए बोल रही हूँ, ये वाला कर दो ना बुक, ये दोनों मैं बोल रही थी. अंडरस्टूड, यस और नो बोलो. तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पाई, मतलब बेसिकली हम लोग ये वाला जो है, ये प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये वाला चीज यहाँ पे इंटू, हाँ करेक्ट, बेसिकली पाई एल प्लस बाय, नहीं माइनस लिखा है मैंने, माइनस बाय पाई एल प्लस प्लस पाई एल माइनस, और ये वाला पाई एल प्लस डिवाइडेड बाय. अंडरस्टूड, मतलब ये एक तरीका है करने का कि लॉन्ग रन में ऑन एवरेज अगर कोई लॉयल्टी पे रहता है तो उसका रेशियो एल माइनस एल प्लस स्टेशनरी से निकाल सकते हैं, या यू कैन टेक अ हाइपोथेटिकल अजम्पशन ऑफ 50-50% ऑल्सो, विच इज नॉट वेरी करेक्ट, स्टिल यू माइट गेट द मार्क्स, मे बी 0.5 कम मिले या जो भी, बट दिस इज अ बेटर अप्रोच. अब रुक जाओ. ये यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है. अब इसके आगे का बताना अप्रोच क्या होगा, पहले तो मेरे को ये दोनों बता दो वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज कितना आ रहे हैं, मतलब ये वाला और ये वाला वैल्यूज कितना आ रहे हैं, पॉइंट्स में बताओ, डेसिमल्स में. पॉइंट यहां तक कर लो एक बार, ये कॉपी कर लो.
पॉइंट सिक्स, ठीक है। हाँ इसको कॉपी कर लो एक बार। कर दिया। लॉन्ग रन प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेइंग इन एल माइनस। क्लियर। अब एक बार यहां ध्यान दो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एल प्लस गिवन गिवन ऐसे लिख सकते हैं, या तो एल प्लस पे होगा या एल माइनस पे होगा। क्लियर। स्टार्टिंग एल माइनस से, तो इसका क्या क्या पॉसिबिलिटीज है पहले यहां देख लो प्लीज। एक बार यहां देख लो, एल माइनस से स्टार्ट कर रहे हो, एल माइनस से हम लोग एल प्लस पे गए एंड एल प्लस पे रहे, और क्या पॉसिबिलिटी है, एल माइनस से एल एल माइनस से, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है प्लस पे जाने का, ठीक है। तो एल प्लस का बताओ, सॉरी एल माइनस से एल माइनस का बताओ, एल माइनस से एस एस पे गए एंड वापस से, तब तो एल प्लस पे जाएंगे, एल माइनस पे जाएंगे। और कोई ऑप्शन है, एल माइनस सोच के बताओ, एक स्टेप नीचे गए, नहीं एल प्लस से एक स्टेप, हाँ दो ही होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही कि हम एल प्लस या उस पे होंगे। चलो सॉल्व दिस। सो बेसिकली क्या करेंगे, एक बार देखना, एल माइनस से एल प्लस जाने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मेंटेन करने का ना, और वापस से मेंटेन करने का। फिर एल माइनस से एस पे जाने का क्या है, एल माइनस से एस पे जाने का क्या है, ग्राफ देखो 0.6 और एस से एल माइनस, तो ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली एक बार यहां देखना, मैं टाइम दूंगी करने का, फिर एक बार यहां देखना, सब लोग यहां देखो प्लीज, ये वाला करते हैं। इसका मैं ये लिख नहीं रही हूँ स्टेप्स, आप लोग लिखोगे डायरेक्टली। बताओ एल प्लस से स्टार्ट करके कहां जा सकते हैं, एल प्लस और एल प्लस, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है, एल प्लस से स्टार्ट करके जी पे जा सकते हैं और वापस से एल प्लस, और एल प्लस से एस, फिर एल माइनस, तो एल से एल, एल पे एल, एल से एल जाना है ना बेसिकली, तो इसको भी दो पार्ट में से तोड़ देना है ना,
तो इसको भी अब सॉल्व करो करो चलो स्टार्ट. इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ, फाइनल आएगा 0.37. करो इसको सॉल्व, फिर मल्टीप्लाई कर देना ऊपर वाले से, ट्राई करो चलो. मतलब इस पर मेरे जो सेकंड इक्वेशन आया ना
और फिर पॉइंट टू इनटू पाई ऑफ द डिस्टेंस इन डिस्टेंस और इक्वल टू 0.6 पाई ऑफ मास डन. तो कितना आ रहा है आंसर? बेसिकली इसको इसको मल्टीप्लाई करो 0.64 से और इसको 0.6 से और बताओ क्या आ रहा है. 0. वेरी गुड डन. लास्ट पार्ट सजेस्ट देख लो कितने मार्क्स का है. क्या बोल रहे तुम? Suggest reasons why the assumptions of Farmer Gills has made about his custom has made about his customer's behavior may not be valid. Bolo. कैसे? तुम ये assume नहीं कर सकता कि high low है. ये तुम तुम्हारा पहला point ही पूरा गलत है. तुमको जो probabilities given है तुमको तुमको कैसे आइडिया है कि इंक्रीज करते हैं? तुमको कोई भी फार्मर्स का नॉलेज है? तुमको कोई तुम ये नहीं बोल सकते स्ट्रेट अवे कि 0.6 बहुत हाई है गलत है. दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रॉन्ग आंसर. तुम कभी भी प्रोबेबिलिटी हाई है लो है तुम ये बोल सकते हो इंस्टेड कि ये जो परसेंट प्रोबेबिलिटीज हम लोग को गिवन है ऑफ मेंटेनिंग ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग द ऑर्डर दीज आर बेस्ड ऑन पास्ट डेटा विच मे नॉट repeat in future. In future, the customers may change their behavior. So using these probabilities may give us false results. ठीक है? ये बोल सकते हो. और consumption pattern can change and so the probabilities of wanting probability नहीं consumption pattern can change and so customers who want to increase their orders who customers who want to consume in a particular manner will all obviously change. Consumption का बात करो तो supply का भी बात करो कि जो guilds है correct तो guilds बोल रहा है कि competition correct guilds बोल रहा है कि मेरा order हमेशा मेरा जो supply है वो हमेशा excess में बनता है. ये क्या जरूरी है कि future में भी हो? नहीं. So supply patterns can also change. So his willingness to sell at a particular price may change in future. ठीक है? हाँ श्लोक बोलो. मैम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि percentage may depend on past values. इसमें independent लिया है ना उसने. हाँ करेक्ट वेरी गुड. तो इसमें हम लोग जो मार्कोव वाला अजम्पशन बोल रहे हैं या फिर हम लोग जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं 0.6 तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटीज है कि हम कांस्टेंट अज्यूम करें कि 0.6 ही रहेगा 60% ही रहेगा कि वो इंक्रीज करेगा दिस मे नॉट बी होमोजेनस दिस मे चेंज डिपेंडिंग ऑन द वेदर सिचुएशंस डिपेंडिंग ऑन और क्या हो सकते हैं हे प्रोड्यूस करे ना डिपेंडिंग ऑन द कैटल डिपेंडिंग ऑन द वेदर डिपेंडिंग ऑन कॉम्पिटिशन की और मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिशन आ जाए तो हो सकता है कि वो गिल्स से भी ज्यादा डिस्काउंट देने के लिए रेडी हो तो पीपल में स्विच हिज कस्टमर्स में स्विच टू द न्यू कॉम्पिटिटर विच इज देयर इन द मार्केट. वेरी गुड. और वो हमने बोल दिया. और क्या मतलब हे का क्या सब्स्टिट्यूट होगा? नहीं और कुछ? रिलेटिव प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस वही कंपटीशन हो गया. फिर उसके बाद इट मे चेंज द कंजम्पशन पैटर्न इट मे चेंज द सप्लाई पैटर्न. ठीक है. और भी इसका गिल्स का जो डिस्काउंटिंग स्कीम है ऐसा देख के उसके कॉम्पिटिटर सेम डिस्काउंटिंग या फिर अनदर डिस्काउंटिंग स्कीम निकाल दे जो इससे बेटर हो. ठीक है. सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू ऑल कैन मेंशन.
सो बेसिकली यू हैव टू सी कि मॉडल में जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो टाइम होमोजेनस कैसे नहीं हो सकते. जैसे यहाँ पे एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से था तो कंपटीशन इज अ गुड पॉइंट जो आप लोगों ने मेंशन किया. कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है जो आप लोगों ने मेंशन किया. सो यू हैव ऑलरेडी गॉटन द पॉइंट्स. अब आपको उसको सजा के 5-6 पॉइंट्स में लिखना है. ठीक है हमने. हाँ हाँ कर सकते. करना ट्राई. P2 निकाल के ट्राई करो. P2 निकाल लो. मतलब ये बोल रहे हैं पार्ट 4 के लिए P2 निकाल लो. ठीक है इनिशियल स्टेट्स पे सोचेगा 0.4.60 एंड P2 एंड फिर फाइनली वो चारों को ऐड करके कर सकते हैं. अरे मतलब इनिशियल स्टेट 0.0 B0 G0 L plus 0.6 and L minus 0.4 and S0. तो वो initial state हो गया. फिर P2 निकाल लो. It's the same thing. Answer same आएगा. क्योंकि P2 में पूरा पूरा निकालना पड़ेगा ना. पूरा row निकालना पड़ेगा. खाली तुम वो चार. हाँ करेक्ट. तो वो भी कर सकते हैं. कोई दिक्कत नहीं है. जस्ट दैट यहाँ मेन कंसर्न था 0.6 और 0.4. 50-50% नहीं होगा. ले सकते हो बट दिस इज अ बेटर अप्रोच. नहीं गलत हो जाएगा. वो तुम 1-1 ले रही हो. तुम 1-1 ले रही हो फिर तुम उसको तो वो पूरा गलत हो जाएगा. तुम नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं वो गलत लॉजिक है. ठीक है. हाँ मरूफ बोलो. मैम ये ट्रांजिशन ग्राफ है इसके थ्रू अगर करे ये फोर्थ वाला क्वेश्चन. हाँ मैट्रिक्स नॉट ग्राफ. नॉट मैट्रिक्स नॉट ग्राफ मैट्रिक्स. अच्छा ग्राफ से कैसे ग्राफ से फॉर स्टेइंग एट एल आइदर एल प्लस और एल ग्राफ से तुम नहीं कैलकुलेट कर सकते हो. कभी भी ऐसे करना पड़ेगा 0.4 0. यहाँ पे तुम P2 निकाल लो बेसिकली. ठीक है एंड फिर आंसर बेसिकली तुम्हारा जो भी आंसर तुम्हारा एक्चुअली यू विल गेट इन दिस फॉर्म ओनली आंसर. ठीक है उसमें से तुम L वाले को ऐड कर दो या फिर हाँ अच्छा तुम्हारा L वाला ही पोर्शन आएगा आई गेस. बाकी सब जीरो हो जाएगा. नहीं आई वाज थिंकिंग कि देयर आर लाइक फाइव वेज जिसमें हम एल पे रह सकते हैं. नहीं अगर ग्राफ अगर देखेंगे तो तुम स्टार्ट कहां से कर रहे हो. तुमको एल से स्टार्ट करके एल पे रहना. तुम फाइव वेज ऑफ स्टेइंग इन एल कैसे बोल सकते हो. तुम स्टार्टिंग पॉइंट टू कंसीडर करो. एल प्लस पे स्टार्ट किया हां और एल माइनस से अगर स्टार्ट किया हां सो इफ वी स्टार्ट एट एल माइनस देयर आर टू वेज हां and if we start at L plus there are three ways. वही तो हमने अभी किया है. वही तो that is what we have done यहाँ पे. That is what we have done. These are three ways. These are two ways. Oh yeah 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 makes sense. ठीक है. So आज यही करते हैं. Now start working on with the sums, all right? And कल हम लोग Markov jump start करेंगे. And मैंने जो task starting में दिया था, make sure आप लोग उसको complete करो. मैं videos कौन से देखने हैं, वो भी मैं group में भेज दूँगी. Chapter 1 and chapter 3 के videos आपको देखने हैं. ठीक है? And दो videos ही हैं. And compile start करने हैं. R programming every day 1.5 hours पढ़ना है. R chapter 2 का start करना है. ठीक है? चलो थैंक यू. एनीथिंग एल्स. हाँ प्रेरणा कल का क्लास का टाइम क्या है. 4 PM होगा. चलो बाय बाय. थैंक यू.